जल संरक्षण और प्रबंधन। जल ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिस पर न केवल मानव अपितु वनस्पति एवं संपूर्ण जीव जगत निर्भर है। वर्तमान औद्योगिक आर्थिक वातावरण, बढ़ती उपभोगवादी संस्कृति, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, सिंचित भूमि में लगातार वृद्धि होने के कारण जल का दोहन तीव्र गति से हो रहा है। अतः स्थानीय एवं विश्व स्तर पर भविष्य के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। जल संरक्षण के तरीके। जल संरक्षण के लिए हर नागरिक, समाज और शासन को साथ मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। इनमें मुख्य रूप से जल स्रोतों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट न डालना, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान न करना व कपड़े न धोना, जहरीले रासायनिक पदार्थों युक्त मूर्तियों को विसर्जित न करना और जल में उत्पन्न खरपतवारों को हटाना शामिल है। जल का पुनर्वितरण करना, अर्थात अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहर के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सकता है। परंपरागत जल संरक्षण विधि। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्याओं से बचने के लिए राज्य और सार्वजनिक सहयोग से झीलें, तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि का निर्माण किया गया है। समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसके उदाहरण हैं। टांका थार इलाके की परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि है। यह एक भूमिगत छोटा कुआं है जहां मकानों के छत और अन्य पक्के जल ग्रहण क्षेत्रों से बहाकर जल को पक्के टांके में लाया जाता है। यह लगभग 6 मीटर गहरा और 2 से 3 मीटर चौड़ा होता है। टांका की बाहरी दीवार जहां से जल आता है वहां फिल्टर या छन्नी लगाई जाती है ताकि जल गंदा ना हो। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे मरुस्थल के शहरों में टांकों की बहुतायत है। आधुनिक जल संरक्षण विधि। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे बांध एवं नहर बनाना, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, दूषित जल को साफ कर पुनः उपयोग, जन जागरूकता फैलाना आदि। रूफटॉप जल संग्रहण विधि इनमें सबसे नवीन व कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है। इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी पानी की टंकी हौज में एकत्रित कर लिया जाता है। बाद में आवश्यकता अनुसार उस पानी का उपयोग किया जाता है। यहाँ का एक लोकगीत है, मौमाख्या मधुमक्खियाँ फूला स्यू रस रो एक एक कण चुगरा शहद रो ढेर लगा सके हैं तो के मैं मानस बादल रे बरसते रस ने नी सहे सका। अर्थात मधुमक्खियाँ फूलों से रस का एक एक कण एकत्र कर शहद का ढेर लगा सकती हैं तो क्या हम इंसान बादलों से बरसते रस को भी नहीं सहेज सकते।